नहीं नहीं नहीं, कपड़ों का बिजनेस नहीं है वो, आज हम एक फैशन चैलेंज करने वाले हैं ना, उसी की तैयारी करती। लेकिन उससे पहले मैं ट्रॉली को गायब कर देती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं राइट और लेफ्ट फैशन चैलेंज। तुम लोग एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। अब वीडियो में आगे क्या क्या होने वाला है वो तो मैं तुम्हें स्टार्ट होने के बाद बताऊंगी, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोग भी ऐसे अतरंगी फैशन चैलेंज और देखना चाहते हो तो, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और अपनी बहन के लिए बोलो कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करे। बहुत कम फॉलो कर दो, नहीं करो, फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चेयर में इसलिए बिठाया क्योंकि हर राउंड में इस तरीके से एक पर्सन चेयर में बैठेगा और उसके पीछे दो राइट और लेफ्ट में दो जने ऐसे खड़े होंगे। अब हम एक एक करके उसे आउटफिट क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस देंगे, अब वो उसकी हिसाब से वो कुछ भी चूज कर सकता है, लाइक राइट और लेफ्ट, और उन कपड़ों से लुक क्रिएट करना होगा। अरे ये तो बहुत इजी है, फिर तो मैं जीतूंगी। अब जो भी होगा वो तो फर्स्ट राउंड में पता चलेगा, तो जल्दी से फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। तो पहला लुक अनु क्रिएट करने वाली है, तो चलिए देखते हैं कि वो क्या चूज करती है, लेफ्ट और राइट। बता अनु। लेफ्ट। ऐसा क्यों कर रही है? अभी बाद में बताएंगे। चलो अब हम इसका, हमें पता चल गया है कि इसने अपना बॉटम क्या सेलेक्ट करा है, अब हम इसका टॉप ढूंढ कर आते हैं। ठीक है अनु, लेफ्ट और राइट? राइट। ठीक है, ओके अनु, लेफ्ट और राइट? राइट। ठीक है चल, अब हम तुझे तेरा आउटफिट देने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो तूने अपने शूज ये सेलेक्ट करे और तेरा आउटफिट दिखा दे तेरे को। दिखा दे यार। अब इसकी डिटेलिंग जब ये आएगी पहन के तब बताएंगे। और लिपस्टिक ये है, जाओ जाओ तैयार हो करो, दे दे से जल्दी ले, जल्दी जा रे, रुक जाओ यार, पकड़ भाग भाग। तो गाइस आप लोग रेडी हैं आक्षी का लुक देखने के लिए? 1 2 3 गो। तो मैडम को मिला है टॉप, मेरा ब्लाउज, और इसने जो पहना है वो एक एक शॉर्ट्स है, किसका है ये हम रिवील नहीं कर सकते। और शूज तो इसे अपने खुद ही चूज करे, वो किस्मत किस्मत की बात है। और आप तो देख ही सकते हो लड़की का लुक एकदम। हमने पीछे वो हुक तो लगाया नहीं, कोई बात नहीं, मतलब उसने ब्लाउज पहना है, ये ऊपर की डिटेलिंग में हमने हुक लगाना भूल गए, कोई बात नहीं। तो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या, कपड़ों के बारे में कुछ पता नहीं, आ गए उठ के, है ना? तू बता, ये याद रहेगी, इसकी पिक्चर ले लेना, इसके बर्थडे पे ये लगाएंगे। 8 दिसंबर को अब यही जाने वाली है। चलो अब इसके ब्यूटी शॉट चलते रहेंगे, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। Feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. So दीदी आप ready हो? हाँ। आपने मुझे पगे में आया ना, मैं आपसे बदला लूँगी। अच्छा बेटे। चल मैं तेरा साथ दूँगी। अगली बारी तेरी है। चलो दीदी choose करो, left या right? ये वाला right. Right, ठीक है ठीक है। चलो दीदी आप बॉटम की बारी है, अब चूज करो लेफ्ट या राइट? राइट। ये इन्होंने ये बोला। चलो दीदी अब बारी है फुटवेयर की, चूज करो लेफ्ट या राइट? भूमि। ठीक है ठीक है, मतलब लेफ्ट। चलो दीदी ड्रेसेस रिवील करते हैं, 1 2 3 एंड गो। जुत्ती मिली है मुझे। आपने ही चूज करा है। बड़े बदतमीज लोग हैं यार ये। बाय। चलो दीदी आज शर्मा के रहे हो? मैं नहीं आ रही। आ रहे आओ। इन्होंने मुझे जादू बना दिया चलता फिरता, ये रेन कोट के नीचे पटियाला सलवार और जुत्ती पहनी है मैंने यार। जादू लग रही हूँ ना गाइस, अनुष्का जादू। अच्छे लग रहे हो। मेरे यहाँ पे एंटीना पे टूट दे दो, बहुत मतलब मुझे तुम लोग बहुत गर्मी लग रही है, कुछ धमका देते हो मुझे यार। अब मुझे लग रहा है सच में मुझसे बदला ले रही है किसी किसी ने किसी राउंड का, है ना? और कुछ और बेइज्जती करनी है? नहीं वैसे इतने भी बेकार नहीं लग रहे, ठीक ठाक लग रहा है। इतने भी बेकार नहीं लग, निकलो यहाँ से, मुझे ब्यूटी शॉट देने चल, निकलो यहाँ से। फाइनली असली बकरा हमारे हाथ आ गया है, यानी कि भूमि आ गई है, और भूमि से सारा बदला लेने वाली ये है ना।
और मैं भी, तो चलो ठीक है हम लेकर आते हैं इसके लिए कपड़े। बताओ लेफ्ट और राइट? राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट? क्या ये लेफ्ट है? देख के बता रही है। नहीं मैं भूल गई कि लेफ्ट है ये। लेफ्ट और राइट? बेटा तुम कुछ कर रहे हो। हाँ जो भी कर रहे हो तुझे क्यों बताएं? राइट। तो आप तैयार हो अपना पैर रुक देने के लिए? हाथ बाहर निकाल। नहीं तैयार है तो मैं मारूंगी जल्दी कर। हाथ पास ला। ये मतलब ये है? अभी तो रूम में जाएगी पता चलेगा। ये है कि कबाड़ी बनाओगे मुझे? निकल जाए। फाइनली हमारी हम दोनों की मेहनत रंग लाई और अब हम आपको भूमि से मिलाते हैं। उड़ जा भाई। हाय गाइस। यार जूता आया ही नहीं देखो। हमने इसको एक हील और इसको इसने शूज सेलेक्ट करा था तो अब बेचारी है। तो मैं जवान बुढ़िया हूं। जवान बुढ़िया। तो ये हमें बहुत अच्छी लग रही है चिड़िया का गोश्ता। ये भी कहते हैं बहुत पुरानी हो गया। मैं सोच रही हूँ फेंक दूँ इसमें, जितना काम निकालना था निकाल दे बेचारे। इसके बाद थोड़ी कर दिया क्वालिटी वाले। चलो दादी माँ हमने ब्यूटी शॉट को ऐसे करते आशे पास करो बेटा। किधर आओ तरक्की करो। दादी माँ आक्षी की बारी है। चल आक्षी चूज कर लेफ्ट और राइट। राइट। बता आक्षी लेफ्ट और राइट? लेफ्ट। अच्छा आक्षी बता लेफ्ट और राइट? राइट। डन। ठीक है हम तेरा आउटफिट अभी रिवील करते हैं। तो मैंने बहुत मेहनत करी कि आक्षी का लुक एकदम कार्टून जैसा बन जाए मेरी तरह। तो मैंने बहुत मेहनत करी तो आपको दिखेगी मेरे को भी नहीं जाएगा। चल बताया आता ही लाओ। तो आपके फुटवेयर है ये, आपके हेयर स्टाइल के लिए है ये, और आपका टॉप है ये, और आपका बॉटम है ये, ताऊ जी की पैंट। ये ताऊ जी की पैंट। जा रेडी हो गया बहुत मजा। क्या लोग आते हैं गाइस, आप सोच ही नहीं सकते कि मतलब आक्षी ने कैसे मेहनत करके खुद के लिए इतना बढ़िया लुक क्रिएट करा है। ऑन काउंट ऑफ थ्री, 1, 2, 3 मोनोक्रोमेटिक लुक पे सही था। हमने इसको विक का कलर भी इसके कपड़ों के आसपास दिया था पर लड़की ने चूज ही नहीं कराया। तुम कब बाहर जाई जा रही हो प्रेम से अंदर आओ। तो भाई अब बताओ कैसा लग रहा है? हाँ? मतलब ऐसा लग रहा है कि एक लड़की फॉरनर लड़की उसको कहा कि बहुत न्यूट्रल कपड़े हो गए हैं और वो सलोन में जाएंगे बोला प्लीज ब्लू कर दो मेरे बालों को। इतनी में काफी इसके इसके पीछे के बाल देखो ये पता नहीं चोच निकल रही है मुंह में से, पता नहीं क्या निकल रहा मुर्गे जैसे जुड़ा है वो। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सपने में आएगी। क्यों क्या करेगी फिर जान में सपने में क्या करेगी भाई बहुत बड़ी। और ये नीचे से ऐसे लग रहे आदमी वो नहीं होता वो कौन होते थे भाई हिटलर टाइप से हम बताओ भाई क्या कर सकते अब क्या थोड़ी ब्यूटी शॉट दे लो और क्या। सुनो तुम दोनों पिछली बार तुमने मुझे कार्टून बना दिया था इस बार ढंग का पीस देना। अब तो वो आप ही चूज करोगे ना आपको कौन सा लुक देना है। मैं मारूंगी अगर ये लुक गंदा हुआ ना जिसने मुझे गंदा दिया। ठीक है ओके चलो करो लेफ्ट या राइट भूमि? ठीक है यार ये सरकास्टिक वे में हंस के गई। चलो बॉटम चूज करो लेफ्ट या राइट? राइट। चलो दीदी आप चूज करो लेफ्ट या राइट? राइट। ठीक है चलो अब टाइम आता है आउटफिट रिवील का। 1, 2 and 3 अब मैं बताऊं टैग चूड़ियां भी दे दी इन्होंने मुझे। जाओ तैयार हो गया बाय। सो गाइस आप रेडी हो मेरी निशा दीदी का लुक देखने के लिए? सो 1, 2, 3 and go। कैसी लग रही हो गाइस कमेंट करके बता देना। दीदी सच बताऊं तो आप ऐसे लग रहे हो जैसे कि किसी लड़की को ना स्कूल भेजा है और उसने भाग के शादी कर ली फिर और फिर मम्मी से मिलने गया और मम्मी ने चप्पल फेंक के मार दिया अपनी और से वही पहन के मतलब और फिर घूमने गया ये
मतलब यार बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी लड़कियों ने मुझे, मैं पढ़ने गई, फिर मैंने शादी कर ली, फिर मम्मी ने चप्पल लग के मारी, एक चप्पल तुम ही लोगों ने दी मुझे, कभी जल्दी व्यस्त करी ना उन्होंने मेरी। जान झोंक दूंगी तो भाई बताओ लेफ्ट और राइट। भाई डराओ तो मत, हम तो ऐसे डराएंगे। लेफ्ट। ओके भूमि, लेफ्ट और राइट। कुछ भी नहीं। चूज तो करना पड़ेगा भाग। चूज कर जल्दी। राइट। अरे यार। ओके लेफ्ट और राइट। लेफ्ट। चलो मैंने तेरे लिए एक और बॉम्ब लुक रेडी करा है, हाथ बाहर निकाल। कैसा बॉम्ब? करवाई अन्नू। अरे कर तो दिया। अरे अन्नू को बोल रही भाई। अब तो तू बहुत सुंदर लगेगी। ये ले, ये ले। और मुझे ये जानना है इसने ये सेट सेलेक्ट करा है, इसके कान तो बंद है, कहाँ से पहनेगी तू ये? अब इसे मैंने क्या पहना? जा पहन करा, जा पहन करा। रेडी है और मेरी मेहनत पे पानी फिर गया क्योंकि वो सुंदर लग रही है यार। लगा था कार्टून वाट कहाँ आगे जाए जा रही क्या क्या खेती कर रहा है। मतलब ये थोड़ा मुझे इंडो वेस्टर्न लुक लग रहा है कि अगर इसको थोड़ा अच्छे से ये और कैरी करेगी ना, वैसे तो अच्छे से कैरी करा क्योंकि इसके कान में ना पियर्सिंग नहीं है, तो हमने इसके इयररिंग को यूटिलाइज तो करना था, तो मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया बेचारे। और ये बहुत चुभ रहा है, ये छाती वैसे चुभ रहा है इसके बेचारे। ये मुझे एक तरफ से सजा दे रहे हैं। आपको आज का वीडियो, हम तीनों ने आज बहुत मस्ती करी, हमें बहुत मजा आया। आप कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज्यादा तीन फनी लुक कौन से लगे। एंड आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। और हम मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।